एक रास्ता बन रहा है, वो रास्ता नहीं बनने देना है, नहीं बनने देना है, वो रास्ता का हमारा कोई काम नहीं है। ये रास्ता बन रहा है, उस रास्ते से सरकार हमारे अंदर पूरा सीआरपी को घुसा के हमारा नुकसान कर देगी, नहीं करने देंगे। ये जंगल हमारा है, यहाँ का पहाड़ी जंगल अबूझमाड़ का जंगल हमारा है। ये स्कूल बन रहा है, ये मालेवाई में जो स्कूल बन रहा है वो स्कूल को बनने नहीं देना है, नहीं देना है, देना है। वो स्कूल में बच्चे पढ़ के हमारे को कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिलनी है, नहीं मिलना है, नहीं मिलना। हम लोग इस जंगल में रखे, इस जंगल का भी हमारा विकास होना है, हमारा हक की लड़ाई लड़ेंगे हम, लड़ेंगे हम एक साथ लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। हमारा भाई कहीं इस जंगल में अपने हक के लिए शहीद हुआ है, उनका बदला लेंगे, उनका बदला लेंगे, हम लेंगे बदला। अभी हम जगरगुंडा गांव में जाके सरपंच से मिलेंगे, वहां सरपंच से चंदा इकट्ठा करेंगे और वही खाना खाएंगे, फिर हम अगला काम के लिए निकलेंगे और सब साथ में लड़ेंगे। किसी को एक साथी को चोट आता है तो छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं अभी। लाल सलाम कॉमरेडो, लाल सलाम। आज जिस गांव में हम जा रहे हैं उस गांव में हमारा काम के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए और अपने लिए फंड रेज करने के लिए हम वहां पर जा रहे हैं, लेकिन ये खबर मिला है हमारी कॉमरेडों से, वहां पर पुलिस लोगों का हालचाल चारों ओर की बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारे रास्ते पर जो भी पुलिस वाला आएंगे और उनको जवाब देने के लिए मरकम कॉमरेड, यस कॉमरेड, आगे से इशारा करते हुए और यदि कोई हरकत होता है उसका हरकत का खिलाफ आप हरकत शुरू कर देंगे। यस कॉमरेड, शुरू कॉमरेड, आप पीछे की ओर कवर करते हुए आगे वालों को और बीच वालों को आप लोग सतर्क करना है और पीछे से कवर करना है अपने कॉमरेडों को। यस कॉमरेड, राजू कॉमरेड, यस कॉमरेड, आप लोग बीचों बीच अपना कॉमरेडों को और अपना कमांडरों को आप चारों ओर से और दोनों तरफ से आप कवर करते हुए उनके ऊपर हमला करना है और फायर खोलना है, जवाब उनको बिल्कुल भी देना है। बिल्कुल देंगे कॉमरेड, लाल सलाम कॉमरेड, लाल सलाम। अपना काम कामयाब करेंगे, कामयाब करेंगे, अपना जंगल नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जंगल में किसी को घुसना नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। चलो साम कॉमरेडो, एक बार रोड पे देखे आपको। जय श्रीमान, 40 कमांडो ड्यूटी जाने के लिए तैयार है श्रीमान, जय श्रीमान। अपने आराम से बैठ, सभी को जय हिंद, जय सर। सभी तैयार है, जय सर। आज हम लोगों का एक अभियान है एम्बुश, हम लोगों को पता चला है प्रिंट के माध्यम से कि एक नक्सली का 8 से 9 लोगों का टीम गांव के मुखिया से चंदा लेवी इकट्ठा करने के लिए गांव के लोगों को ब्रीफिंग करने के लिए डरा धमका के अपने फौज में शामिल करने के लिए तथा अपने मुखबिरों से मिल करके सीआरपीएफ के बारे में के मूवमेंट के बारे में जानकारी लेने के लिए आज सुबह में नक्सली की 178 की टीम जो है वो यहाँ से गुजरने वाली है। उनके पास में काफ़ी नवीनतम हथियार हैं, उनके पास SLR है, AK-47 है, मोटार है, तो हम लोगों के पास भी सभी तरह की हथियार हैं। आज हम लोग यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर जहाँ से नक्सली गुजरने वाले हैं एम्बुश लगाएंगे। एम्बुश लगाते हम लोगों का उद्देश्य है नक्सली को पकड़ना एवं उनके मकसद को नाकामयाब करना, वो जिस मकसद के लिए जा रहे हैं। जाने का रूट हम लोगों का होगा कैंप से, हम लोग पैदल चलेंगे
चार किलोमीटर की दूरी है, जिसको तय करने में लगभग हम लोगों को 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा। हम लोगों के पास हथियार में 51 mm मोटर, LMG, UBGL, हैंड ग्रेनेड के साथ में सभी बाकी के सभी जवानों के पास अपना व्यक्तिगत हथियार होगा। सभी के पास ऑफ स्केल के मुताबिक हथियार एवं एमिनेशन पर्याप्त मात्रा में होगा। हम लोगों का अभियान लगभग 10 से 12 घंटे का होगा। अगले 10 से 12 घंटे के लिए हम लोग सेल्फ कंटेन्ड होंगे अपनी सभी निजी आवश्यकताओं के लिए। इसके अलावा हम लोग पास स्पेशल इक्विपमेंट में NVD, मोनोकुलर, बाइनोकुलर, वायरलेस सेट, स्विच क्लॉट, फर्स्ट एड के सारे सामान सभी उपलब्ध होंगे। इसके लिए जिन जवानों को जहां बांटा गया है सभी अपना अपना बांटा हुआ सामान ले करके साथ में चलेंगे। अभियान समाप्ति तक ये पूरा ध्यान में रखना है कि हम लोगों को किसी भी प्रकार की स्थिति हो, नक्सली से मुठभेड़ हो, हम लोगों को अपना हौसला कम नहीं होने देना। जिस तरह से हम लोग हौसले के साथ जा रहे हैं उसी तरह से पूरा हौसले के साथ अभियान को समाप्त करके और अपने मकसद को कामयाब करके वापस आना है। इसके लिए जो कॉल टाइम निर्धारित किए गए हैं, किसी भी पार्टी के कमांडर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो तुरंत मुझे पार्टी कमांडर जो मैं स्वयं हूँ उसे इतला करेंगे। DARV तक हम लोग चलने का जो तरीका है इवेस्टिव मूवमेंट और टेक्टिकल मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए DARV तक चलेंगे। वहाँ से सभी पार्टियाँ अपने अपने कमांडर के निर्देशानुसार अपने अपने जगह को मार्च करेगी। स्काउट पार्टी अपने स्काउट की जगह पर लग जाएगी, फायरिंग पार्टी कई जगह पर मैं जाकर के अपना लेआउट करेगी जिसका कमांडर मैं स्वयं रहूँगा। रिजर्व पार्टी अपने जगह पर जाकर के लेआउट होगी जिसके कमांडर SIGP रामजी रहेंगे। इसी प्रकार से नक्सली के आते ही जो ही नक्सली हमारे घेरे में आ जाता है, एम्बुश के इलाके में आने पर जो स्काउट पार्टी है वो सेफ से बताएंगे कि चाय बन चुकी है, चाय बन चुकी है। यह मतलब समझा जाएगा कि नक्सली हमारे बीच आ चुका है। उसके बाद सेफ पर दो प्रेस होगा, फायर खोलने का आदेश होगा। ध्यान रहे, फायर खोलने से पहले सभी जवान यकीन करेंगे जिन जवानों को नक्सली दिखाई दे वही जवान फायर खोलेंगे। यदि किसी को नक्सली दिखाई नहीं देता है तो मेरी बैरल से निकला हुआ गोली फायर का आदेश होगा। फायर करते समय अपने एमिनेशन की कीमत को ध्यान में रखना है कि जंगल में एमिनेशन ही हमारा जान बचाता है, इसलिए एमिनेशन को सही मात्रा में उचित मात्रा में ही फायर किया जाए। अंधाधुंध फायरिंग से बचना है। हमारा यहाँ से कैंप से मूव करने का समय होगा रात को 2 बजे। 2:05 में वहाँ कैंप से हम मार्च कर जाएंगे। उससे पहले सभी जवान सभी पैक किए गए सामान, हथियार, गोला बारूद एवं व्यक्तिगत जरूरत के सामान को लेकर के तैयारी हालत में पैक किया हुआ जगह पर खड़े होंगे। इसके अलावा और किसी को कोई सख्त सवाल? सभी तैयार है? सभी तैयार है? ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट का लेना है, लगातार भी नहीं लेना है। फिर लेआउट का बाद में ले लेना। इसको काटो काटो। आवाज नहीं करिए आप लोग।
अभी समझने में इतना दिक्कत नहीं हो रहा है कि कैसे आना है नहीं आना है। सिंगल सिंगल दस दस मीटर पे आना है, ये समझने में इनको दिक्कत है। हर तरफ का बना लेना। वो दूरबीन वाला भी दूर बना लेते देखता है। और ऊपर जाना है क्या? इधर इस फैलना है ना, बन जाओ बना ले लो। काफी है फिर किलिंग जोन आपको दिखना भी चाहिए, मार का इलाका ठीक होना चाहिए। कोई नहीं, जितना जगह जहाँ जहाँ है वहीं वहीं बैठ जाओ। इधर भी फैलिए, पूरा किलिंग जोन है ना। थोड़ा सा गोल सा एलयूपी टाइप लेना है यहाँ पे। जो आगे हो जू आप दाहिने चले जाओ, उधर प्रोटेक्शन ले लो उधर। हाँ हाँ ठीक है, आप इधर वो हाँ बहुत बढ़िया। अब बाकी अब आके अपना वहाँ ग्रुप बना लेंगे, आप वही रहो अपने अपने जगह। बाहर की तरफ फेस करो। चलो अब बाकी टीम आके एक जगह जमा हो जाएगा। बाकी आ जाओ एक जगह जमा हो जाइए। अब बाकी एक जगह जमा होइए। बस कमांडर अब लेके सबको एक जगह जमा हो जाए, प्रोटेक्शन अपना लगा रहे।
Thank you.
उधर जा यार, तू कहाँ गया हो राजा से? अरे जल्दी मारो 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 पुलिस को मारो 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 आगे बढ़, चल 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 नौटंकी नहीं इधर हमला करेगा ये
ओए ये असल डन कैरी पार्टी बहुत बढ़िया काम किया, इधर आ जाओ फोटो खींचो एक बार कैसे खड़ा होके। ये इधर सर की पार्टी में